सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सबका स्वागत है एक आज के नए दिन में। तो मुंशियारी से लगभग 2 किलोमीटर हम रात में पहुंचे, 9 बज गए थे रात में पहुंचते, इसलिए रात का जो व्लॉग था वीडियो ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं ढोंगखोरा वॉटरफॉल देखने के बाद। तो आज हम अगले दिन में देखने वाले हैं नंदा देवी टेम्पल, एक हॉट स्प्रिंग है उसके आगे, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रात में जिस होटल में हम रुके उसके सामने जो व्यू दिख रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस तरह से मुंशियारी की जो खूबसूरती है, जब भी आप वीडियोस देखते हैं या रिसर्च करते हैं तो मुंशियारी में हमेशा उसकी खूबसूरती के बारे में बहुत बताया जाता है। मिनी स्विट्ज़रलैंड, मिनी कश्मीर, इस तरीके से आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं मुंशियारी के बारे में। रात में तो इतना व्यू पता नहीं रहता, अभी आपको दिखाता हूँ। हम सामने कुछ पीक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर पंचकुला पीक्स हैं, यानी 5 पीक्स हैं और ये देख नहीं रहे क्लियरली, शायद थोड़ी देर पहले तो दिख रहे थे, अभी थोड़ा फॉग्स आ गया यहाँ पे। तो बस जल्दी से हो जाते हैं रेडी, फिर जो आज हमें देखना है वो देखना है नंदा देवी टेम्पल, और उसके आगे जाके कुछ किलोमीटर्स पर एक हॉट स्प्रिंग्स होता है, काफ़ी सारे गर्म पानी कुंड है, वो देखेंगे। और कल खलिया टॉप या फिर जो भी होता है, आज की तो कहानी सिर्फ यही है कि हम नंदा देवी टेम्पल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि 2 दिन से काफ़ी ड्राइव हो रहा है, बैठे बैठे भी थकावट, ड्राइव तो मैं कर रहा हूँ फिर भी थकावट हो रही है। और अभी पी लेते चाय, पीक्स में दिखा दिया होटल हमें जो लास्ट में किया वो हमें अच्छा ऑप्शन रह गया, अदरवाइज हम जो पहले कर लेते हैं थोड़े से बंकर जैसे थे, इसलिए हमने उसको करा नहीं। और आशीष यहाँ चाय पीते हुए बाहर निकलते हुए, और मैं आपके सामने अपडेट देता हुआ। तो अब मुंशियारी में आ चुके हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है, मज़े का है, धूप आ गई है, चाय पीते हैं फटाफट और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पहाड़ों में लेके निकल गया ऊपर से, खतरनाक टायर से, ये देखो बहुत बढ़िया। सो नहा धो के हो गए रेडी, बस अब यहाँ से निकलेंगे नंदा देवी टॉप, और उससे जाने से पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए और फिर ट्रैवल का मज़ा भी आए। आशीष रेडी है, टेबल भी रेडी है, अभी ये जो रिजॉर्ट है ना, जो ये होटल है, सॉरी रिजॉर्ट तो ज़्यादा हो गया, जो ये होटल है बनाया तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम थोड़ा अभी है नहीं, बट स्टिल नया है तो काफ़ी कुछ अच्छा है बना हुआ है। और मेन रोड पर ही है, इसका नाम है माँ लक्ष्मी होम स्टे। तो मुंशियारी पे आते हैं तो मेन रोड मिल जाएगा, नया नया बना, अच्छा सर्विस है, ठीक ठाक है। तो बस अब पराठे आ गए, नाश्ता करते हैं फटाफट। तो हो चुकी पूरी तैयारी, चलते हैं अब नंदा देवी टेम्पल की तरफ, और यहाँ से सिर्फ 6 या 7 किलोमीटर ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आशीष ने पहले फुल सीट लगाया था लेकिन अब लगा लिया है हाफ स्लीव। सुबह का टाइम है, थोड़ी गर्मी हो रही, धूप निकली काफ़ी तेज, लेकिन बहुत गर्मी है एक्चुअली, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे ही थोड़ा मौसम हल्का सा भी छाया होगी ठंड लगेगा, क्योंकि रात में तो बहुत ठंडा था। रात में बहुत ठंडा था। तो अब चल रहे हैं हम नंदा देवी टेम्पल की तरफ, चलिए थोड़े व्यूज़ दिखाते हैं आपको कि मुंशियारी से थोड़ा सा पहले ही थे हमारा, 6-7 किलोमीटर पहले, ये जो मेन सिटी है, टेम्पल मुंशियारी से 1-2 किलोमीटर आ गए, तो मुश्किल से 15-20 मिनट लगने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेसिकली क्या है, मुंशियारी एक छोटा सा शहर है और जो इसकी ब्यूटी है वो उसके आजू बाजू है, यानी माउंटेन्स दिखते हैं यहाँ से, ग्लेशियर दिख रहा है, ठीक है। आप जब रास्ते में भी आते हो तो जो ग्रीन फील्ड मिल रहे थे डिफरेंट तरीके के, वो बहुत सुंदर लग रहे देखने में। और हम थोड़े से मानसून के करीब आए हैं, हाँ, लैंडस्केप काफ़ी डिफरेंट है, जैसे हम और जगह जाते हैं ना तो उनकी जो ब्यूटी है वो भी ब्यूटी है उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको फील। लिफ्ट मांगी और हमने दे दी, चलिए देखते कौन आ रहा है। कहाँ कहाँ तक जाना है? ये हमको कहाँ जाना? नंदा देवी टेम्पल। नंदा देवी टेम्पल वहाँ से होते हो जाएगा? वहीं से होते हो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं मुंशियारी के बारे में ना। तो वैसे उत्तराखंड मैं तो कई बार आया हूँ, उसके बावजूद ही जब मैंने मुंशियारी को देखा तो मुझे काफ़ी डिफरेंट वाइब मिल रही थी, काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स देखने को मिल रहे थे, लैंडस्केप अलग था और काफ़ी ब्यूटी है। और अब जहाँ रुके भी हैं वहाँ से भी व्यू लगातार, अभी तक हमें ग्लेशियर दिख रहे हैं 2-4 मिनट में, बट लगातार ग्लेशियर दिख रहा है। क्यों? नहीं, कैसा लगा? और एक्चुअली मुंशियारी में ये भी कहा गया कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड मिनी कश्मीर। मिनी कश्मीर तो हमने कल भी आपको बताया था, मिनी कश्मीर भी से कहा गया है। और यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि जो पांडवास थे, हाँ, उन्होंने अपना लास्ट जो उन्होंने खाना बनाया था वो यही था। तो जो ये इन्होंने हिस्ट्री बताई उसका एक पार्ट मैं आपको और ऐड करता हूँ यहाँ, और इसके बाद वो एक्चुअली दे
स्वर्ग को जो गए थे वो, और उसका जो मंदिर है ना वो भी यहाँ पताल भुवनेश्वर है, वो पास में ही है, वो एग्जैक्टली पॉइंट है जहाँ से वो स्वर्ग को गए थे। तो इसकी अपनी एक धार्मिक वैल्यू भी है। तो नंददेवी टेम्पल बस थोड़ा सा ही बचा है, और कुछ देर पहले, थोड़ा सा पहले हमको एक ऐसा पीक दिखा, ऐसा पॉइंट दिखा, व्यू पॉइंट बहुत ही कमाल का लैंडस्केप लग रहा है और एक पीक सामने दिख रहा है। तो हमने सोचा कुछ ना टाइम यहाँ पे स्पेंड करें क्योंकि आज ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट, तो ऐसे अच्छे पॉइंट्स देखते हैं, व्यू पॉइंट देखते हैं और फिर खुद भी देखते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। व्यूज़ बहुत ही गजब के हैं, बस कुछ देर में आपके पास पहुँच जाएंगे। देखिएगा व्यूज़ को, अच्छे लगा तो लाइक्स, और उसके बाद नंददेवी टेम्पल। चलिए देखिए पीक को। कहाँ पर हो? रुक जाओ, आ रहे हैं हम। पीछे देखो, पीछे। सो नंदा देवी टेम्पल के बिल्कुल सामने हमारी गाड़ी रुक चुकी है। थोड़ी गर्मी लग गई थी आते आते, तो थोड़ा सा पानी वानी पी के थोड़ा देख रहे हैं, बाबल सेट हो गए तो करा हुआ अभी। ये रहा नंदा देवी माता का जो मंदिर है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट गिरा। बस कुछ ही मिनटों में बंदे चलेंगे, आपको दिखाएंगे अगर आप मुंशियारी आते हैं तो नंदा टेम्पल कैसा है। इसकी बड़ी मान्यता है यहाँ पे, देखिए काफ़ी सारे लोग और भी आए हैं, गाड़ी वाड़ी आ रही है, आते जा रहे हैं लोग। तो और पहाड़ों में क्या है, पहाड़ों देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को। तो आप जहाँ भी जाओगे, किसी भी पॉइंट पर जाओगे, आपको एक मंदिर मिल ही जाएगा जिसकी अपनी मान्यता होगी। एक्चुअली क्या होता है, हर एक जगह का, हर एक, जैसे मान लीजिए कोई भी टाउन है, कोई बड़ा शहर है उत्तराखंड में, उनका अपना एक देवी माता का मंदिर या भगवान का मंदिर होता है जो उनकी रक्षा करता है, उनकी जो ये मान्यता। इसीलिए आप वो किसी पॉइंट पर जाएंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल मंदिर आपको मिलेगा। और मुंशियारी में नंदी नंदा देवी माता मंदिर। चलिए अब चलते हैं अंदर। तो अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आशीष भी तैयारी कर रहा है अपनी व्लॉगिंग की, वीडियो शूट बनाने की कोशिश करने की, तो उनको हम थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई करो, करना है तो, नहीं करना तो मत करो, वैसे भी बहुत कंपटीशन है, एक और कंपटीशन बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे की तरफ। तो अभी दबी टाइम हो रहा है 12 बजे, धूप एकदम सर पे है, लेकिन ये जो जगह है ना पूरी एकदम पहाड़ में थोड़ा सा चढ़ने के बाद में पूरा एक फील्ड जैसा आता है, लंबा पूरा फैला हुआ ग्रीन लश ग्राउंड जैसा, क्वाइट ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। चलिए मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद ये कुछ रेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पर जाके थोड़े बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। दोस्तों देखा आपने अभी नंदा देवी टेम्पल, खूबसूरत वादियों के बीच में, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और हमने जो समय रखा है वो 12 बजे करीब पहुंचे थे यहाँ पर हम, तो उसकी वजह से थोड़ी सी धूप ज़्यादा थी, लेकिन हवा चल रही है छाया में तो उतना नहीं पता लग रहा धूप का। लेकिन अगर आप शाम के वक्त या थोड़ा सुबह में आएंगे तो आप इस जगह को ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से देख पाओगे, अनुभव जो फीलिंग है वो और अच्छी हो जाएगी। अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है शाम के टाइम जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मौसम, धूप थोड़ा ही हट जाएगा ऊपर से, तो ये जगह और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चाय की शॉप थी, तो वहाँ पर हमने चाय पी, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास खुद का कैंप है तो आप यहाँ पर आइए, काफ़ी सुंदर है यहाँ पे। अगर अपना कैंप लेकर आते हो तो 200 रुपये चार्ज करने होते हैं आपको, चार्ज देने होते हैं, सॉरी, अपना कैंपिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। और बट आपको यहाँ पे जगह की सैनिटी को ध्यान पे रखना है क्योंकि एक धार्मिक जगह है, तो आप यू नो फन वन जो भी है, जिस तरह से ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जो भी अदर चीज़ें होती हैं, वो आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ ध्यान रखनी है। प्लस अगर आप चाहते हो कि ये लोग आपके लिए अरेंजमेंट करते, जो हमको उन्होंने चार्जेस बताए बेसिकली वो है 3,000 रुपये के अराउंड वो आपको कैंपिंग देते हैं तीन लोगों के लिए, दो लोगों के लिए, इस तरीके से है। 3 से 5,000 तक का रेंज है जिसमें वो खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं आपको, खाना पीना, टेंट हो गया आपका, प्लस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग टी दे रहे हैं। तो बाकी आप इनसे आने के बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स स्क्रीन पे दे रहा हूँ, फोटो में देख लेना आप जो वहाँ पे नंबर है, अगर वो नंबर रीच आउट होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो जब यहाँ पर आएंगे एक बार आप देख सकते हैं। एरिया मैंने आपको दिखाई दिया था,
कैसा है, तो आप कैंपिंग यहाँ पे कर सकते हैं, कंसिडरेबल है और अराउंड जो है सराउंडिंग्स है वो बहुत ही सुंदर है। अब बेसिकली नंदा देवी टेम्पल हमने देख लिया, इसके बाद एक 20 किलोमीटर के अराउंड मदकोट हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी कुंड और एक वाटरफॉल भी है सेम। अब यहाँ से वहाँ जाएंगे और उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और बस आज के दिन यही होगा। तो यहाँ पे आने के बाद तो बहुत मज़ा आया, होपफुली आगे भी थोड़ा सा और मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई सवाल है पूछ लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, मदकोट में जाते हैं, वो हॉट स्प्रिंग देखते हैं और मदकोट देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, मंदिर बहुत ही अच्छी जगह है, मज़ा आ गया और मैं होप करता हूँ आपको भी अच्छा लगा।